जानलेवा डायन की कहानी, ऐसी ही हॉन्टेड स्केरी स्टोरी सुनने के लिए हमारे बूस्ट मॉडल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सबसे स्केरी पार्ट कमेंट करना ना भूले। आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जिसका नाम निगरहवा था, वहां एक बहुत ही रहस्यमय और डरावनी घटना घटित हो रही थी। लोग कहते थे कि उस गाँव में एक डायन रहती थी। हर रात जैसे ही अंधेरा घिरता, गाँव में डर का साया फैल जाता। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों पर कपड़े टांग देते ताकि वह डायन उनके घर में न आ सके। रात की कालिमा जब चारों ओर सन्नाटा होता, तभी अचानक कहीं से एक कर्कश हंसी गूंज उठती। ऐसा लगता मानो कोई औरत जोर जोर से हंस रही हो, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा दर्द और क्रूरता भरी होती थी। गाँव वाले डर से कांपते हुए अपने बिस्तरों में दुबक जाते। एक रात गाँव के एक निडर युवक रामू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रामू ने अपनी लालटेन उठाए और गांव के बाहर वाले जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गहराई तक जाने पर उसे एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली दिखी। हवेली की छत पर बैठी एक परछाई उसे घूर रही थी। जैसे ही रामू ने उसकी ओर देखा, वह डायन जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर लपकी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसके बाल हवा में लहराते हुए सांपों की तरह दिख रहे थे। रामू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और बोला, कौन हो तुम, क्यों गांव वालों को डराती हो? डायन ने एक खतरनाक हंसी के साथ कहा, मैं वह हूं जो कभी इस गांव की सबसे प्यारी बेटी थी, पर मेरे अपने ही मुझे इस जंगल में छोड़ गए। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मैं मर गई, लेकिन मेरे बदन की आत्मा यहां से कभी नहीं गई। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द का मिला जुला स्वर था। रामू ने साहस जुटा कर कहा, अगर मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊं तो क्या तुम गांव वालों को छोड़ दोगी? डायन की आंखों में एक पल के लिए आंसू छलक आए। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, अगर तुम मुझे मुक्ति दे सको तो मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। रामू ने गांव के पुजारी को बुलाया और उस रात दोनों ने मिलकर उस डायन की आत्मा को शांति देने का अनुष्ठान किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, डायन की काली परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। डायन की आखिरी चीखों के साथ रामू ने उसे जाते हुए देखा। उसने जाते जाते एक हल्की मुस्कान दी, जैसे उसने अपने दर्द से छुटकारा पा लिया हो। उस रात के बाद से गांव में फिर कभी उस डायन की आवाज नहीं सुनाई दी। लोग अब निडर होकर रात में भी बाहर निकलने लगे और रामू को गांव का हीरो माना जाने लगा। लेकिन रामू जब भी हवेली के पास से गुजरता, उसे एक ठंडी हवा का झोंका और एक हल्की सी हंसी सुनाई देती। शायद वह डायन उसे याद दिलाती थी कि उसने उसे मुक्ति दी थी। डायन की विदाई के बाद गांव निगरहवा में शांति लौट आई थी। लोग अपनी जिंदगी में फिर से खो चुके थे, लेकिन रामू के मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या सच में डायन की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, या फिर यह एक नए खतरे की शुरुआत थी? एक रात जब रामू अपने घर की छत पर सो रहा था, उसे हल्की सी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह उठा और चारों ओर देखने लगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे हवेली की दिशा में एक हल्की सी रोशनी चमकती नजर आई। उसके दिल में हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या फिर से वही डायन लौट आए हैं? नहीं, ये मेरा भ्रम होगा। लेकिन उसकी बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने अपनी लालटेन उठाए और एक बार फिर उस खंडहर हवेली की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे चारों ओर अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। हवाओं में पहले जैसी खौफनाक सरसराहट थी। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसे वहां एक पुरानी आवाज सुनाई दी जो उसे परिचित लग रही थी। आवाज धीमे धीमे कह रही थी, तुमने मुझे मुक्ति दी, लेकिन मैं अब भी इस जगह से बंधी हूँ। मेरे बदले का अंत नहीं हुआ। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली? तभी सामने से एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह वही डायन थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि दर्द और बेचैनी थी। उसने रामू की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी थी, लेकिन वह शांति अधूरी थी। मेरे बदन की राख अभी भी इस हवेली के नीचे दबी है। जब तक उसे सही तरीके से जलाकर गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाएगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। रामू ने हैरानी से कहा, तुम्हें इस बात का पता पहले क्यों नहीं चला? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी मुक्ति हो चुकी है। डायन ने दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, मुझे भी यही लगता था, लेकिन मैं इस दुनिया से बंद ही रह गई। मेरी आत्मा अभी भी पीड़ा में है। मुझे अब तुम्हारी मदद चाहिए रामू। रामू ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ मुझे क्या करना होगा? डायन ने उसे हवेली के तहखाने की ओर इशारा किया।
वहां पर एक पुरानी कब्र थी जहां उसकी राख को दबा दिया गया था। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कब्र को खोला और वहां एक छोटा सा मटका निकला जिसमें राख थी। उसने डायन की आत्मा से कहा, अब मैं इस राख को गंगा में प्रवाहित करूंगा। तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। राख लेकर रामू गंगा की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसे ऐसा लगता रहा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। एक ओर उसे डर सता रहा था और दूसरी ओर उसे उस डायन की तकलीफ महसूस हो रही थी। आखिरकार जब वह गंगा के तट पर पहुंचा तो उसने वह राख धीरे से पानी में प्रवाहित कर दी। तभी एक तेज रोशनी चमकी और रामू के सामने वही डायन की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में संतोष था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुमने मुझे मेरे दुखों से मुक्ति दिलाई। अब मैं सदा के लिए इस दुनिया से विदा ले रही हूँ। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारा बदला पूरा हो गया, अब तुम शांति से जाओ। डायन की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और रामू के चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने महसूस किया कि हवाओं में अब उस डरावनी कर्कशता की जगह एक शांति आ गई थी। गांव के लोग जब ये कहानी सुनते हैं तो वे कहते हैं कि रामू ने एक सच्चे योद्धा की तरह गांव को एक बार फिर बचा लिया। लेकिन रामू के दिल में हमेशा एक छोटा सा दुख बना रहा, क्योंकि उसने जाना था कि बदले की आग में जलने वाले भी कभी कभी सिर्फ शांति की तलाश में होते हैं। इस घटना के बाद से निगरहवा गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। लेकिन जब भी कोई अकेला गंगा किनारे रात को जाता है तो उसे एक नर्म सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, धन्यवाद रामू। गंगा के तट पर राख प्रवाहित करने के बाद रामू को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। निगरहवा गांव की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई थी। लेकिन रामू के मन में हमेशा एक खालीपन बना रहता था। उसे ऐसा महसूस होता कि वह डायन के दुख को समझ पाया था और उसकी मदद कर सका था। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया। लोग दीपावली की तैयारियों में जुटे हुए थे। हर घर जगमगा रहा था और बच्चों की किलकारियां चारों ओर गूंज रही थीं। रामू ने भी अपने घर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया और गांव वालों के साथ त्योहार का आनंद लेने लगा। लेकिन जब वह अपने घर के पास की पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसकी नाक में वही पुरानी राख की महक आई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे लगा कि उसकी लालटेन की लौ अचानक मंद होने लगी है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे दूर जंगल की ओर से हल्की सी धुंधली रोशनी आती दिखाई दी। रामू के मन में डर की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, क्या वह फिर से लौट आई है? क्या उसका बदला अभी भी अधूरा है? उसे लगा कि उसे एक बार फिर उस जगह पर जाना होगा। वह जंगल की ओर बढ़ने लगा जहां उसने पहले डायन की आत्मा को देखा था। जब वह जंगल के अंदर पहुंचा तो उसे वही पुरानी खंडहर हवेली दिखाई दी। लेकिन इस बार हवेली पूरी तरह जली हुई और धूल से भरी हुई थी। वहां की दहलीज पर एक अजीब सा मटका रखा हुआ था जो उसे याद दिला रहा था कि वह वही मटका है जिसमें डायन की राख थी। रामू ने मटका उठाया और देखा कि उसमें राख नहीं बल्कि एक छोटा सा कागज रखा हुआ था। कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, धन्यवाद। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि डायन की आत्मा ने उसे यह संदेश देने के लिए बुलाया था कि उसकी मुक्ति पूरी हो चुकी है। उसे उस संदेश में एक अनकही कृतज्ञता महसूस हुई, मानो उसकी आत्मा अब पूरी तरह शांति में हो। उसने उस मटके को गंगा के किनारे एक पेड़ के नीचे दफन कर दिया और मन में संकल्प लिया कि वह उसे किसी को नहीं बताएगा। गांव लौटते समय रामू के दिल में अजीब सी शांति और एक हल्का संतोष था। उसे लगा कि शायद उसने किसी आत्मा की मदद की थी और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया था। उस रात जब रामू सोने गया तो उसे एक सुंदर सपना आया। उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री सफेद साड़ी में गंगा के किनारे खड़ी मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों में अब वह कर्कशता नहीं बल्कि एक गहरी शांति थी। वह स्त्री धीरे धीरे गंगा की लहरों में समा गई और आसमान में एक सितारा चमकने लगा। सुबह जब रामू जागा तो वह मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि अब सब कुछ सही हो गया है। निगरहवा गांव के लोग भी रामू की कहानियां सुनते हुए कहते थे कि रामू ने एक ऐसी आत्मा को शांति दी थी जो सालों से अपने दर्द में तड़प रही थी। गांव में अब फिर से सुख शांति लौट आई थी। लोग खुलकर हंसने लगे, रातों को खुली हवा में सोने लगे और डर का साया पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन जब भी कोई गंगा किनारे जाता तो उसे वहां की हवाओं में एक मुस्कुराहट महसूस होती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो और आशीर्वाद दे रही हो। रामू का नाम हमेशा के लिए गांव की कहानियों में अमर हो गया और निगरहवा गांव के लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखते थे जिसने न सिर्फ गांव को बचाया बल्कि एक अधूरी आत्मा को भी शांति दी थी।
अंतिम सच्चाई यही थी कि सच्चा साहस केवल बाहरी राक्षसों से नहीं बल्कि भीतर की संवेदनाओं और दूसरों के दर्द को समझने से आता है। रामू ने वही किया था। वह जानता था कि कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस वे होते हैं जो अकेलेपन और दर्द से जन्म लेते हैं। इस तरह रामू और निग्रहवा गांव की कहानी एक नई शुरुआत की तरह खत्म हुई। एक ऐसी शुरुआत जिसमें शांति, प्यार और करुणा का संदेश छिपा था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये कहानी यहाँ तक सुनी होगी। ऐसी ही स्केरी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सबसे प्यारी पार्ट कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो आप हमें दिए गए सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं।